तो ये देखिए मेरे हाथ में बाल है और आज माइक्रोमीटर की मदद से मैं इसकी भी आपको रीडिंग लेकर के दिखाऊंगा। आप सोच सकते हैं कि कितना पतला है और फिर भी ये जो माइक्रोमीटर है ये इस बाल की भी रीडिंग हमको इजीली बता देगा। हेलो फ्रेंड, मैं अतुल, अतुल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक माइक्रोमीटर है, तो आज मैं इसकी रीडिंग लेना आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वर्नियर की वीडियो बनाई थी, मैनुअल वर्नियर की, किस प्रकार से रीडिंग लेते हैं। वीडियो काफ़ी अच्छी है, आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया है। वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो नीचे लिंक दिया है और ऊपर आई बटन पर भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये मेरे हाथ में एक माइक्रोमीटर है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मिनिमम कितना हम इससे नाप सकते हैं। तो देखिए ज़्यादातर माइक्रोमीटर के पीछे अगर आप पलट के देखेंगे तो यहाँ पर लिखा रहता है, ये देखिए 0 से 25 mm तक हम इससे नाप सकते हैं और मिनिमम कितना नाप सकते हैं उसकी के नीचे लिखा है 0.01 mm हम इससे नाप सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी रीडिंग किस प्रकार से लेनी है। तो देखिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हम ये मीटर कौन सा है, ये कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आऊँगा। तो देखिए हमारा जो माइक्रोमीटर होता है उसमें मेन 3 स्केल होते हैं जिनकी मदद से हम रीडिंग लेते हैं। ये देखिए एक तो ये नीचे वाला स्केल होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है 0, 5, 10, 15। एक ये ऊपर वाला होता है ये, और तीसरा होता है ये जो स्क्रू के ऊपर यहाँ पर नंबरिंग लिखी हुई है। तो इन तीन जो स्केल होते हैं इनकी मदद से हम यहाँ पर रीडिंग लेते हैं, रीडिंग नोट करते हैं। तो वो किस प्रकार से करते हैं, उसके लिए मेन जो फंडा होता है वो होता है इस स्क्रू का, ये देख रहे हैं ना आप, ये यहाँ पर ये स्क्रू जब चलता है तो ये रीडिंग जो नीचे वाला स्केल है ये वाला, तो इसकी रीडिंग ये निकलती जाती है यहाँ से, आप देख रहे हैं 15, ये 20 हो गए इस तरीके से। तो ये जिस ये जो इसकी एज है, इस वाले स्क्रू की जो एज है, ये जितने रीडिंग यहाँ पर ये दिखाई दे रही है सारी काउंट होती हैं। इसका मेन फंडा यही है कि जितनी रीडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, अब जैसे ये हमको यहाँ 15 से आगे दिखाई दे रही है, तो ये इससे ये सारी काउंट होंगी, ये इधर वाली जितनी भी है। वो काउंट किस प्रकार से करनी है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिए, समझ में नहीं आगी दोबारा रिपीट करके देख लेना वीडियो को। तो ये तो हो गई इसमें पढ़ने वाले स्केल की बात, अब बात करते हैं कंप्लीट रीडिंग की। तो देखिए जब आप इस स्क्रू को घुमाएंगे इस प्रकार से, तो ये जो बीच वाली लाइन है, ये लाइन आप देख रहे हैं मेन स्केल पे, ये इस स्क्रू वाली लाइन से कहीं ना कहीं सीधी आपस में टकराएगी। ये देखिए कहीं पे भी आप लेके जाएंगे या बीच में आएगी या कहीं पे भी यहाँ पे आएगी। तो इसी तरीके से इसकी रीडिंग ली जाती है। वो किस प्रकार से ली जाती है, जहाँ पर भी ये स्क्रू की एज पड़ रही है, ये देखिए, तो जैसा कि मैंने अभी बताया जितने ये दिख रहे हैं ये सारे काउंट होंगे। तो मैंने बताया ये नीचे वाला जो है हमारा पॉइंट के लेफ्ट साइड की रीडिंग है, तो इसको हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये देखिए 11 यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये हमारी हो गई 11। अब ये हमारी पॉइंट के लेफ्ट साइड वाली रीडिंग हो गई, तो हमारी ये 11 आ गई। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि जो हमारा ऊपर वाला स्केल है, ऊपर वाले स्केल में भी तो हमें कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही, यहाँ तक तो हम आ गए, अब इसके पीछे की नहीं देखेंगे, ऊपर वाले स्केल में हमको कोई ये 11 के बाद में तो कोई लाइन नहीं दिखाई दे रही, देखिए कोई लाइन हमें नहीं दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारी रीडिंग कितनी है 11। अब ये हमारी कुछ नहीं है, कोई भी हमको लाइन नहीं दिखाई दे रही है इसके बाद में, इस ये जो लाइन है इसके इधर की तरफ हमें कोई भी लाइन नहीं दिखाई दे रही है मेन स्केल पर यहाँ पर। तो 11 आ गई, उसके बाद हम आएंगे इस वाले स्केल पर, ये किस प्रकार से ली जाएगी। तो 11 के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो रीडिंग है ये वाली, ये है पॉइंट के राइट साइड वाली, तो अब देखेंगे कितनी आ रही है। तो देखिए 15 यहाँ पे है, ठीक है, 15 और 16 और 17 यहीं तक रीडिंग लेनी है जहाँ पर ये लाइन आपस में मिल रही है, बस ये जो सेंटर लाइन है ना, ये इस मेन स्केल की सेंटर लाइन, यहाँ पर ये मिल रही है। तो ये 15, 16 और 17, ठीक है, तो ये हमारी रीडिंग क्या आई 11.17, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि ऊपर वाली, अगर ऊपर वाला हमको जब स्केल आता है तो वो किस प्रकार से लेके आते हैं, ये देखिए मैं इसको कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मैं इसको सेट कर लेता हूँ, या यहाँ पर कर लेता हूँ मैं इसको सेट ही, ठीक है, यहाँ पर सेट हो गया। अब देखिए 10 हमको 10 पूरी दिखाई दे रही है नीचे वाला, सबसे पहले मेन इसमें फंडा यही है कि सबसे पहले
ये वाला स्केल देखो, उसके बाद ये वाला स्केल देखो, उसके बाद ये वाला स्केल। तो सबसे पहले हमें देखना है ये जो हमारा स्क्रू है इसकी एज कहाँ पर पड़ रही है। तो देखिए ये पड़ रही है 10 mm की हमको लाइन दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले 10 mm की हो गई। अब उसके बाद देखेंगे कि ऊपर वाली कहाँ, ऊपर वाली हमें कोई लाइन दिखाई तो नहीं दे रही इस, ये जो 10 mm है इसके बाद में। तो देखिए ये दिख रही है ना हमें एक, तो ये हो गई जैसा कि मैंने बताया ये काउंट होगी 0.5 की। तो अब हमारी रीडिंग हो गई 10.5, ठीक है। उसके बाद पहुंचेंगे ऊपर स्क्रू वाले पे, स्क्रू वाली रीडिंग पे। तो ये देखिए जो सेंटर लाइन है कहाँ पर मैच कर रही है, ये कर रही है यहाँ पर 15 पर। तो ये हमारी रीडिंग हो गई 10 हो गई प्लस 0.5 हो गई, ठीक है। और उसमें 0.15 और जोड़ देंगे तो ये कितनी हो गई हमारी रीडिंग 10.65। तो इस प्रकार से रीडिंग लेते हैं। अब मैं आपको कुछ रीडिंग लेके बताता हूँ कि वो फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से रीडिंग लेनी है। अब देखिए इसमें जब हम रीडिंग लेते हैं तो वहाँ पर एक कंफ्यूजिंग पार्ट भी आता है, वो चीज़ आपको पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस पार्ट को ज़रूर देखिएगा वरना तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल मैं 100% श्योर हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो स्क्रू है ये इस मेन स्केल से जितना आगे पड़ता है तो वो नीचे की रीडिंग हम लेते हैं। अब सपोज़ करो ये हमारा यहाँ पर ये पड़ गया है, यहाँ पर स्क्रू पड़ गया। तो अब आप जब रीडिंग लेंगे तो कैसे रीडिंग लेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि सबसे पहले नीचे वाला स्केल पढ़ना है, उसके बाद ये फिर ये। तो मैं पढ़ता हूँ स्केल यहाँ पे, देखिए 5, 6, 7 और ये देखिए ये हमको 8 की लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, दिख रही है ना 8 वाली लाइन नीचे वाले स्केल में, यहाँ पर ये हमको दिख रही है। लेकिन यहीं पर मेन फंडा है, ये हमको एक्चुअली इसको काउंट नहीं करना है इस पोजीशन पे। देखिए इसके लिए सबसे अच्छा उपाय जो है जो मैं करता हूँ, ये देखिए इसको जब भी हमको यहाँ पर इस तरीके से कोई भी रीडिंग हमारी आ रही है तो हमको लेके जाना है सबसे पहले इसको जीरो पे, इस लाइन को यहाँ पर जीरो पे लेकर के जाना है। तो देखिए जब जीरो पे अब लेके जा रहे हैं अभी भी ये हमको 8 की दिखाई दे रही है, तो अब ये पूरी 8 mm की रीडिंग है, यानी कि ये 8 mm है यहाँ पर जो रीडिंग आ रही है। लेकिन अब ये हमारा यहाँ पर था, ठीक है, तो ये हमारी 8 mm से कम रीडिंग है, ये हमको लाइन दिखाई तो दे रही है नीचे वाली लेकिन ये काउंट नहीं होगी, ठीक है, ये काउंट नहीं होगी क्योंकि ये देखिए ये स्केल कहाँ पर है, ये जीरो से पीछे है। तो जाहिर सी बात है 8 mm से ये रीडिंग कम है, तो ये रीडिंग कितनी है यहाँ पर देखिए, ये होगा हमारा, अब 8 को आप छोड़ दो, 8 mm से छोटी रीडिंग है ये। तो देखिए हमारी सबसे पहले काउंट होगी 7, ठीक है, 7 के बाद में ये 0.5 के ऊपर वाली, तो 7.5 रीडिंग आ गई। उसके बाद में ये हमारी पॉइंट से राइट साइड वाली रीडिंग है तो ये आ गई 0.45, तो ये हमारी रीडिंग आई 7 प्लस 0.45, तो ये हमारी रीडिंग आई 7.95, ठीक है। इस प्रकार से ये कंफ्यूजिंग पार्ट होता है इसमें, यहाँ पर इलाज मत जाना नहीं तो कभी रीडिंग नहीं ले पाओगे। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से देख लो, हमको क्या करना है कि ये जैसे हमारी यहाँ पर कोई रीडिंग आ रही है, जैसे सपोज़ करो ये 4 की लाइन पे ये सेंटर लाइन मिल रही है, तो हमको क्या करना है कि इसको जीरो पे करके देख लेना है। जीरो पे करके देख लिया, अब हम कंफर्म हो गए कि ये जो हमारी रीडिंग है ये इस वाली लाइन से पीछे की रीडिंग आएगी, जैसे ये 8 mm है 8 से पीछे की रीडिंग आएगी। क्यों, जितना हम पीछे जा रहे हैं ना यहाँ पर पीछे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है पीछे जाएगी, तो ये 7 point something कुछ भी रीडिंग यहाँ पर आ सकती है, ये मेन इसमें फंडा है, यहाँ पर इलाज मत जाना। और ये कंफ्यूजिंग पार्ट कब आएगा, जब भी ये वाली रीडिंग है हमारी, ये देखिए जब भी ये हमारा स्क्रू वाला स्केल है तो ये जब भी यहाँ 25 को ये वाली लाइन पार करेगी तभी हमें ये कंफ्यूजिंग वाली स्टेज आ जाएगी। ये देखिए जैसे 25 को पार करा ये यहाँ पर नीचे की लाइन जो स्केल मेन स्केल वाली लाइन है ये दिखनी शुरू हो गई है, लेकिन ये काउंट नहीं होगी। ये देखिए ये अभी भी काउंट नहीं होगी, देख सकते हैं आप, आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है अभी तक भी, ये देखिए यहाँ तक भी अभी ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है, ये 8 mm पूरी क्लियर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये 8 mm से कम रीडिंग है। ये देखिए क्योंकि ये जीरो पे नहीं आई है, ये 8 mm से कम रीडिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, खास ध्यान रखना है इस चीज़ का।
अब मैं आपको एक्चुअल, आप देख सकते हैं ये एक नट है, तो इसको नाप के मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली किस प्रकार ये, तो मैंने थ्योरेटिकली आपको मतलब दिखा दिया, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट मैं आपको नाप के दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको इससे आपको बाल भी नाप के अभी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से मतलब बाल की क्या थिकनेस होती है, जो हमारा हेयर होता है, हेयर, ठीक है, ह्यूमन हेयर। तो सबसे पहले इसको कोई भी रीडिंग लेने से पहले देखिए, इसको पकड़ने का भी एक तरीका होता है। अब मैं ये तो चलो छोटा ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है तो एक हाथ में तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे और दूसरे हाथ में ये, अब उससे हमको ये पकड़ना भी है और ये स्क्रू भी चलाना है, तो इसकी भी एक तकनीक है पकड़ने की। तो वो किस प्रकार से होती है वो सबसे पहले सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, हमको जो हमारी सीधे हाथ की छोटी उंगली है वो इस प्रकार से लेनी है और इसमें ये फंसा लेनी है, और ये वाली जो उंगली है ये इसको यहाँ पर इसको पकड़ लेना इस प्रकार से। अब हमारा जो ये उल्टा हाथ है ये फ्री हो चुका है, हम इसको ये देखिए इस प्रकार से इसको घुमा सकते हैं, यहाँ पर इसको घुमा सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ये हमको लेना है और इस प्रकार से, अब जब भी हमको इसमें ऑब्जेक्ट हमें लगा लिया ये नापने के लिए यहाँ पर, तो यहाँ से पकड़ के नहीं घुमाना है, हमको घुमाना है रैचेट से पकड़ के, नहीं तो हमारी रीडिंग कभी भी सही नहीं आएगी, ठीक है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर रीडिंग से रैचेट से घुमा रहा हूँ, तो ये देखिए इसमें एक कटर कटर की आवाज़ आ रही है। अब हमको ये छोड़ देना है, ठीक है, अब ये हमारा रीडिंग लेने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसे थोड़ा पास से ला के और रीडिंग दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये मैंने लगा लिया है और ये देखिए, तो सबसे पहले नीचे वाली रीडिंग काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 5, 6, 7। अब जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया ये कंफ्यूजिंग पार्ट है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। तो यहाँ पर मैं ये 8 mm वाली रीडिंग नहीं लूँगा, तो ये हमारा सिर्फ 7 है, ठीक है, तो 7। उसके बाद ऊपर देखेंगे, ऊपर कोई तो नहीं दिखाई दे रही, दिख रही है हमें 0.5 की, तो ये कितनी हुई, 7.5। उसके बाद स्क्रू वाली रीडिंग देखेंगे, स्क्रू वाली रीडिंग कितनी आ रही है, ये देखिए ये वाली लाइन हमारी मिल रही है, तो यहाँ पर रीडिंग आई हमारी 40, 41, 42, 43, तो यानी कि 43 यहाँ पर आ रही है हमारी, 0.43 है ये, ठीक है, 0.43, और यहाँ पर 0.5 थी, तो ये कितनी आई, 0.93, और यहाँ नीचे की रीडिंग थी हमारी 7, तो 7.93 ये हमारी रीडिंग यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब मेन पार्ट आता है, मैं आपको इससे बाल नाप के दिखाता हूँ कि हमारा जो बाल होता है उसकी कितनी थिकनेस आती है। तो ये देखिए, ये एक ये बाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे हाथ में, ठीक है, तो इससे हम इसकी रीडिंग, मैं अभी आपको इसकी रीडिंग आपको लेके दिखाता हूँ। तो इसको सबसे पहले तो लगाना ही, क्योंकि काफ़ी छोटा है तो लगाना ही हमको काफ़ी ध्यान से पड़ेगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको टाइट कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया रैचेट की मदद से ही टाइट करना है, ये देखिए, ठीक है, ये अब हमारा यहाँ पर लग चुका है। तो इसकी रीडिंग मैं आपको बताता हूँ कितनी आ रही है, तो ये देखिएगा यहाँ पर नीचे वाले स्केल में 0 है, ऊपर वाले स्केल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो पॉइंट के इधर वाला हमारा सब 0 हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं ये कितनी आ रही है, 5, 6 और ये 7, ठीक है, मतलब कि 0.07, यानी कि 0.05 ही हो गई, 0.07 दूर। तो हमारे जो इसकी ये बाल आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो थिकनेस है 0.07 mm है, ठीक है। इस प्रकार से आप मतलब छोटे से छोटे चीज़ की भी ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं 0.01 mm कितना छोटा हो गया। आप अभी तो ये मैंने बाल की आपको थिकनेस लेके दिखाई है, आप इससे छोटा भी ले सकते हैं, ये देख रहे हैं आप, यहाँ तक इसकी रीडिंग है, यहाँ तक इससे छोटी भी रीडिंग ले सकते हैं, काफ़ी एक्यूरेसी देता है ये। आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि माइक्रोमीटर की रीडिंग किस प्रकार से लेनी है, और मैंने आपको अच्छे से बता दिया, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया है तो दोबारा से एक बार वीडियो को देख लेना। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी प्रिसीजन काम है इसकी रीडिंग लेना, सीखना, लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं या आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है, कोई आपके सवाल हैं, तो नीचे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर, कोई और इंस्ट्रूमेंट पर आपको वीडियो बनवानी है, तो वो भी मेरे को बता सकते हैं नीचे कमेंट करके।
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।